ये है हमारे बचपन की सबसे फेवरेट स्वीट डिश। 80-90s के लोगों ने कभी ना कभी इसे ज़रूर खाया होगा, लेकिन आज भी लोग इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन समय के साथ इसका नाम बदल दिया गया। आज की पढ़ी लिखी जनरेशन इसे कॉटन कैंडी कहती है। मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि आपने कभी इसे खाया है और आप इसको किस नाम से बुलाते हैं। इस मीठी मीठी और सॉफ्ट सी चीज़ को हम तो बूढ़ी माई का झाटा कहते हैं। हिंदी में बोले तो बूढ़ी माई का झाटा। झाटा पंजाबी का शब्द है, मतलब बिखरे और उलझे हुए बाल। लेकिन कोई इसे कुछ भी कहे, परंतु इसका स्वाद लाजवाब है। अभी आप कमेंट करके बताइए कि आपने जिंदगी में कभी ये चीज़ खाई है और आपको कैसी लगी। लो जी, असी तुहानू दिखा रहे हैं कॉटन कैंडी। मॉडर्न समय च इहनू कहिंदे ने कॉटन कैंडी, ते पहला पुराने समय च लोक इहनू कहिंदे सी बुढ़ी माई दा झाटा। मशीनी युग आ गया ते सारा कुछ हुण मशीनां दे नाल तैयार हो रहा है। आ देखो किस तरीके दे नाल इह च शुगर पाई जाती है, कलर पाया जाता है जो खाण वाला रंग हुंदा है, ते इस तरीके दे नाल बनती है कॉटन कैंडी। पहला कहिंदे सी बुढ़ी माई दा झाटा चीनी हुंदी है, थले इस दे आह वाले हिस्से च मशीन च हीट हुंदी है, उस दे नाल चीनी पिघलदी है, अंदर सर्कल चलता है तो उस दे नाल चीनी खिलरदी है, तो इस तरीके दे नाल बनती है कॉटन कैंडी। बच्चों की पसंदीदा जिन्हों कहिंदे ने बुढ़ी माई दा झाटा। ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਟਨ ਕੈਂਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ। ਹਾਂ, ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੁੜੀ ਮਾਈ ਦਾ ਝਾਟਾ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ।